एक मिनट भाई सर, ये सारे लोग उस तरफ चले जाओ, गाड़ी उस तरफ, गाड़ी के लेफ्ट में हो जाओ सर। जी सर, अच्छा जैसे आप सबको मालूम ही है ये सर्दी का मौसम है, इसकी वजह से काफ़ी धुंध वगैरह पड़ रही है और हमारा एरिया भी रिवराइन एरिया जिसकी वजह से और भी ज़्यादा धुंध इस एरिया में है। इस मौसम में धुंध की काफ़ी थिकनेस होती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी पुअर रहती है हमारे बॉर्डर पर। ऐसे हमारे हायर हेडक्वार्टर ने इंस्ट्रक्शन भी दी थी इस एरिया में और पाकिस्तान का कोई अटैम्प्ट कर सकता है स्मगलिंग का या इन्फिल्ट्रेशन का, इसी के चलते हमने हायर हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन भी दी हुई थी बटालियंस को भी अलर्ट रहें, जिसकी वजह से बटालियन कमांडेंट्स ने एडिशनल ट्रूप्स, एडिशनल सर्विस इक्विपमेंट और एडिशनल मैन पावर भी भेजी थी बॉर्डर पे, जिसके वजह से बॉर्डर पे अलर्टनेस थी और ये स्मगलरों ने जो स्मगलिंग अटैम्प्ट किया इसको, इसके चलते जो हमारे जवान थे काफ़ी अलर्टनेस थे और जिसकी जवानों की अलर्टनेस की वजह से आज ये स्मगलिंग अटैम्प्ट फेल हुई उनकी। बीपी नंबर 22 12 और 13 के बीच में ये उन्होंने कोशिश किया, इस कोशिश में उन्होंने स्मगलिंग अटेम्प्ट किया जिसकी वजह से सस्पेक्टेड इंडियन भी हमारी तरफ से देखा गया पर हमारे जवानों ने चैलेंज किया। पीछे काफ़ी धुंध की वजह से विजिबिलिटी तकरीबन 5 मीटर तक भी नहीं थी, धुंध का फ़ायदा उठाते हुए और खेती का फ़ायदा उठाते हुए अपना इंडियन साइड का स्मगलर वापस भाग गया और हमने ट्रुप्स ने एरिया सर्च किया फेंस के आगे भी और पीछे भी। इस सर्चिंग के दौरान हमारे ट्रुप्स ने तकरीबन 19 पैकेट जो अभी सस्पेक्टेड हिरन लग रही है आपके सामने है ये सीज किए और एरिया सर्च करने के दौरान और कुछ नहीं मिला और इससे पता चलता है कि हमारे ट्रुप्स अलर्ट हैं और इसी तरह का आगे भी अलर्टनेस जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। और इस अलर्ट चला है कि उस तरफ से कितने लोग थे, उस तरफ से जैसे मैंने पहले बताया कि आपको धुंध की वजह से 5-7 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं थी बट डेफिनेटली जिस हिसाब से लगता है 1-2 तो होंगे पक्का।